हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो एशिया कप के एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी है और ग्रुप स्टेज एशिया कप की खत्म हो गई है और सुपर फोर राउंड के लिए टीम्स फाइनल हो चुकी हैं। टीम्स जो है सुपर फोर राउंड में जिन्होंने क्वालिफाई किया उसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान है। और बात करें तो अफगानिस्तान और इंडिया की डोमिनेट परफॉर्मेंस रही, दोनों मैच उन्होंने जीते और क्वालिफाई किया, जबकि श्रीलंका ने पहला मैच हार के अच्छा कमबैक किया और नेल बैटिंग मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर क्वालिफाई किया। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने कल हांगकांग को कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री से क्वालिफाई किया सुपर फोर राउंड के लिए। आखिरी कुछ मैचेस की बात करें तो श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच जो डू ऑर डाई था दोनों के लिए, जो जीतता उसने क्वालिफाई करना था, तो जैसे कि मैंने कहा वो नेल बैटिंग मैच हुआ। 183-184 का टारगेट बांग्लादेश ने सेट किया, जो लग रहा था वन टाइम पे कि बांग्लादेश ने अच्छा स्कोर कर लिया है और वो रोक लेंगे और वो क्वालिफाई कर सकते हैं मैच जीत के। और एक टाइम पे था श्रीलंका की बैटिंग भी जब चल रही थी तो 5-6 विकेटें जब गिरी और स्पेशली जब कैप्टन आउट हुए श्रीलंका के, तब लग रहा था कि बांग्लादेश ने मैच बना लिया और अब वो ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद श्रीलंका ने अच्छी बैटिंग की, उनके टेल एंडर्स ने, बॉलर्स ने स्पेशली जो 6 डाउन 7 डाउन 8 डाउन 8 विकेटें उनकी गई, फिर भी वो लास्ट ओवर में मैच जीत गए। मेरे हिसाब से बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों ने बहुत अच्छी फाइट की, दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन बांग्लादेश ने जो अपनी चांसेस दिए हैं यानी कि एक्सपर्स कराई हैं वो वाइड्स हों नो बॉल्स हों, जीते भी वो नो बॉल की वजह से ही श्रीलंका वाले, यानी कि आखिरी ओवर की जो बॉल, उस बॉल पे जब 3 रन दिए थे 2 रन उन्होंने भाग के बनाए और एक नो बॉल को उनको मिल गया। तो बांग्लादेश अपनी एक्स्ट्रा और अपनी की हुई गलतियों की वजह से मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट से बाहर हुए। खैर, मुबारक हो श्रीलंका को और हार्ड लक बांग्लादेश। कल के मैच की बात करें जो कि ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच था, उसमें पाकिस्तान ने डोमिनेट परफॉर्मेंस दिखाई और वन साइडेड मारा हांगकांग को, जो हमें उम्मीद भी थी। सेम टीम पाकिस्तान ने खिलाई और पहले बैटिंग की तो बाबर आजम अनफॉर्चुनेट अभी तक इस टूर्नामेंट में कुछ बड़ा नहीं कर पाए, दोनों मैचेस में जल्दी आउट हो गए, लेकिन आई होप कि वो आगे सुपर फोर राउंड में बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। और बाकी फखर जमान और मोहम्मद रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, शुरू में थोड़े स्लो थे लेकिन उसके बाद 50 रन फखर जमान ने किए, रिजवान पूरे 20 ओवर खड़े रहे, 76-78 रन उन्होंने बनाए, उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला। और एंड में खुशदिल ने जिस तरह बैटिंग की, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बैटिंग में। 193-194 का टारगेट दिया, टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर भी किया और उसके बाद बिल्कुल ही वन साइडेड मारा, 38 रन पे ऑल आउट किया हांगकांग की टीम को। और ये जो मार्जिन है तकरीबन 155 रन विक्ट्री का, ये पाकिस्तान का हाईएस्ट जीत का मार्जिन है, हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन है T20 में किसी भी टीम को हराने का। तो वेल डन पाकिस्तान, कॉन्ग्रेचुलेशन। और पाकिस्तान की बॉलिंग जिस तरह चल रही है, शाहनवाज दहानी को विकेट मिली, नसीम शाह ने आउट किए, फिर उस तरह नवाज़ की फॉर्म अच्छी लगी हुई है, उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी आउट किए थे और कल भी उनको 3 विकेट मिली, और सदाब खान 4 विकेट उनको मिली और मैन ऑफ द मैच रिजवान। तो ग्रुप स्टेज अब ख़त्म हो चुकी है और ये 4 टीमें हैं। अब आज से सुपर फोर राउंड का आगाज हो रहा है, पहला मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान का होना है। अफगानिस्तान को थोड़ा है जिसलिए कि वो अनबीटन आ रहे हैं और उन्होंने श्रीलंका को एक दफ़ा हराया भी है, लेकिन श्रीलंका की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच खेला और जिस तरह जीते हैं उनको कॉन्फिडेंस बहुत मिला होगा। तो लेट्स सी, मुझे लगता है बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है आज और कल। इट्स अ बिग संडे, इंडिया और पाकिस्तान का मैच सुपर फोर राउंड में, ये मैच जितना बहुत जरूरी है दोनों टीमों के लिए। और इसी मौके पे आपको एक अपडेट दे दूं कि एक सैड न्यूज़ है फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू के, इंडिया के स्क्वाड में से रविंद्र जडेजा घुटने की चोट की वजह से वो इंजर्ड हो गए, टूर्नामेंट से बाहर हो गए और उनकी रिप्लेसमेंट स्क्वाड में शामिल किया गया अक्षर पटेल को। सो ये अपडेट है। बाकी आज श्रीलंका अफगानिस्तान का मैच है सुपर फोर राउंड में और कल है पाकिस्तान इंडिया का। तो ये अपडेट्स हैं एशिया कप से रिलेटेड, एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी है। अब आप बताइए कि आपको अभी तक एशिया कप का टूर्नामेंट कितना एक्साइटिंग लगा और कितना मज़ेदार लगा, और आगे की क्या प्रेडिक्शन है आपकी कि सुपर फोर राउंड में कौन सी टीम डोमिनेट रहेगी, करेगी सबको, और कौन सी टीम फाइनल में पहुँचेगी और ट्रॉफी उठाएगी इस बार की एशिया कप की। ये सारी बातें मुझे कमेंट्स में बताइए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।